Well, hello guys, welcome back to all of you. Today we have one more example, that is how we can find out a composition series 4s4. S4 is a symmetric group, we know that. So in the last lecture we frame a composition series 4s3, and now we have a symmetric group for order 4s, and now we will construct a composition series for a group having a symmetric and having order is 4. So let's see how we can construct. So first of all, अगर मुझे S4 के लिए किस कंपोजिशन सीरीज बनानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू लेट कि मेरे पास कोई ग्रुप है. मान लेता हूं कि मेरे पास लेट जी बी अ ग्रुप, और वो कैसा ग्रुप है, वो एक सिमेट्रिक ग्रुप है. लेट जी इज इक्वल टू S4, ये एक सिमेट्रिक ग्रुप है बच्चों, और आप देख रहे हैं कि डिग्री 4 का है. सो आई हैव टू राइट आउट लेट जी इज इक्वल टू S4 बी अ सिमेट्रिक ग्रुप, बी अ सिमेट्रिक ग्रुप, ये एक सिमेट्रिक ग्रुप है और फोर ऑर्डर का है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4. ओके, और हम मान लेते हैं कि ये सेट कुछ ऐसा होगा, और ये जो सिमेट्रिक सेट बना हुआ है ये है ऑन द सेट, क्योंकि जब भी S4 बनता है तो उसके पीछे एक सेट होता है जिसके पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं. तो मान लेता हूं 1 2 3 4, ये इस सिमेट्रिक सेट का एक सिमेट्रिक ग्रुप बनाया गया है. सिमेट्रिक ग्रुप, अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, तो मेरे मैंने सिमेट्रिक ग्रुप क्या होते हैं, अल्टरनेटिव ग्रुप क्या होते हैं, कैल्विन 4 ग्रुप क्या होता है, इनके ऊपर लेक्चर बना रखे हैं, आप उनको जरूर अच्छे से वॉच करें. तो बच्चों इस सेट के ऊपर ये सिमेट्रिक ग्रुप बना हुआ है जिसको मैंने नाम दिया है जी, जो कि है S4. और आप सबको पता है कि अगर मुझे S4 को कंस्ट्रक्ट करना है तो S4 कुछ इस तरीके से बनता है. तो मैं थोड़ा सा, मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा आपको लिख के दिखाता हूं. जैसे फर्स्ट जो एलिमेंट होता है दैट इज आई, देन यू कैन राइट आउट 1 2, यानी कि 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1, और आप लिख सकते हैं 1 3, यानी कि 1 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1, और यहाँ कॉमा लगाएंगे सॉरी, और आप लिख सकते हैं 1 4, यानी कि 1 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1. सिमिलरली आप लिख सकते हैं 2 3, और ऐसे ही पहले तो आप 2 इमेज वाले बन जाएंगे, फिर 3 वाले भी आप बना सकते हैं. जैसे आप लिख सकते हैं 1 2 3, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, और इसमें 4 की इमेज जो ना 4 ही रहेगी. तो ऐसे आप बना सकते हैं. और सिमिलरली जो 4 मैपिंग को कंसीडर करेंगे, उसमें होंगे 1 2 3 4, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4 एंड 4 की इमेज 1, इस तरीके के भी बन जाएंगे. तो ये एक सिमेट्रिक सेट बन जाएगा. मैं पूरा ड्राइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं. और अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ बच्चों, तो ऑर्डर ऑफ S4 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल. यानी कि अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूंगा तो 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 × 3 × 2, दैट विल बिकम्स व्हाट, दैट विल बिकम्स 24. तो इस मेरे ग्रुप का ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर ऑफ S4, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी मेरे पास कितना आया, 24. ओके, अब हम सबको पता है कि A4 जो ना अल्टरनेटिव ग्रुप होता है किसका, S4 का, यानी कि इसको अल्टरनेटिव ग्रुप बोलते हैं ऑफ डिग्री 4. सो मैं मान लेता हूं लेट A4 बी द alternative group of degree 4. और अगर किसी को alternative group के बारे में भी confusion है, तो आप please बच्चों मेरा last का जो lecture है, जो मैंने alternative group के ऊपर, Calvin 4 group के ऊपर बनाया, उसको आप जरूर watch कर सकते हैं. मैं थोड़ी सी जरूर बातें बता दूंगा. alternative groups क्या होते हैं बच्चों, जिसके अंदर जितनी भी जो फंक्शंस आप लेते हैं ना, वही फंक्शन, एक आई जरूर लेते हैं इसमें, बाकी वही फंक्शंस लेते हैं जिनकी इमेज अल्टरनेटिव होते हैं. जैसे 1 की इमेज 2 आ जाए, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, तो सारे अल्टरनेटिव जो सेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखूं मैं 1 3 2. ओके, तो इस तरीके से अल्टरनेटिव बनाते हैं. अगर मैं 4 की बात करूंगा तो 4 में आएंगे 1 2 3 4, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की, यानी कि जो अल्टरनेटिव्स होते हैं जिसके अंदर सेम इमेज वालों को हम लेके नहीं चलते हैं. अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करता हूं, तो ऑर्डर ऑफ A4 होता है n factorial by 2, यानी कि 4 factorial divide by 2. 4 factorial होता है हमारे पास 24, और divide by 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12. तो मेरे पास इस ग्रुप का ऑर्डर आ गया. अब अगर इस ग्रुप के भी सब ग्रुप को आपको लेना है, तो वो होता है V4 से उसको लिखते हैं, या फिर कुछ ग्रुप के अंदर हम K के नाम से भी इसको जानते हैं. V4 होता है बच्चों Calvin 4 ग्रुप. इसके अंदर ये एक्चुअली इसका ही सब ग्रुप होता है A4 का. A4 किसका सब ग्रुप होता है, S4 का. यानी कि आपको ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि ये इनका आपस में रिलेशन क्या है. देखिए, जो आपका V3 है या V4 है, V4 हमेशा कंटेन्ड करेगा किसमें, A4 में, और A4 हमेशा कंटेन्ड करेगा किसमें, S4 में. ठीक है, तो ये
A4 इसका अल्टरनेटिव ग्रुप होता है और B4 इसको बोलते हैं कैल्विन 4 ग्रुप। ओके, और अगर मैं B4 को कंस्ट्रक्ट करके लिखना चाहूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसी का ही पार्ट है, तो अभी सी बात है जो भी इसके अंदर इमेजेस आएंगी वो भी इसी से होंगी, और सबसे पहली इमेज इसकी जो फंक्शन आएगा इसका फंक्शन वो होगा आई। और फिर आप ले सकते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 जो हमने कंबाइंड करके लिखा, कई बार कुछ बुक्स कंबाइंड करके लिखते हैं, कई नोट्स में आपको 1, 2 अलग लिखा मिलेगा, 3, 4 अलग लिखा मिलेगा, तो कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, प्योरली अल्टरनेटिव लेना है तो जैसे 1, 2 को अलग लिखा जाता है, 3, 4 को अलग लिखा जाता है, उसमें आपको प्योरली अल्टरनेटिव मिलते हैं, यानी कि 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, यानी कि ऐसे भी लिखा हुआ आपको कहीं मिल सकता है किसी बुक में, दैट 1, 3 अलग लिखा होगा और 2, 4 अलग लिखा होगा। तो ये भी यही शो कर रहे हैं कि 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 2। ठीक है, और बाकी अगर आप इसको और अच्छे समझना चाहते हैं तो बच्चों वो वाले लेक्चर जो है मेरे अल्टरनेटिव ग्रुप्स के ऊपर, सिमेट्रिक ग्रुप के ऊपर, उनको जरूर देख लीजिएगा। तो V4 इज इक्वल टू दिस वन। ओके, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, द कैल्विन 4 ग्रुप बोलते हैं इसको, द कैल्विन, KALN, कैलेंस 4 ग्रुप, ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपको। ओके, अब मैंने आपको बताया कि फर्दर कि ये किसका सब ग्रुप है, V4 इज सब ग्रुप ऑफ व्हाट, V4 इज सब ग्रुप ऑफ A4, am I right? और A4 इज सब ग्रुप ऑफ व्हाट, A4 इज सब ग्रुप ऑफ S4, राइट? अब देखो बच्चों, V4 A4 का है, अब V4 के बारे में हम क्या जानते हैं, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं सिर्फ V4 के, तो V4 का ऑर्डर क्या होगा, डायरेक्टली n होगा, यानी कि इसका ऑर्डर होगा डायरेक्टली 4, इसका होता है n फैक्टोरियल बाय 2 और उसका डायरेक्टली n फैक्टोरियल होता है, तो इसका डायरेक्टली n होता है, तो जितने v4 है तो इसका इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। अब आपने लिखा इसका ऑर्डर है v4, तो इसका मतलब अगर मैं इसके ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहूं, यानी कि इसको मैं 2 की पावर 2 लिखना चाहूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 की पावर 2 एक टाइप से ही बन गया कि p की पावर 2, क्योंकि p एक 2 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर बन गया। तो इससे हमें एक बात पता चल गई कि ये जो v4 है, ठीक है, ये किसी प्राइम नंबर की कोई पावर है, तो इसका मतलब v4 क्या हो गया, v4 एक अबिलियन ग्रुप बन गया। ठीक है, v4 इज एन अबिलियन ग्रुप, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी BSc के अंदर, जब हमने ये अबिलियन ग्रुप्स के हम थ्योरम पढ़ते हैं, तो किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम आ जाता है तो वो ग्रुप अबिलियन होता है, ठीक है, और वो साइक्लिक भी होते हैं, तो अब अगर ये प्राइम का स्क्वायर आ जाए तो डेफिनेटली वो ग्रुप अबिलियन होगा, तो ये ग्रुप अबिलियन तो हो गया। अभी भी हम V4 की ही ऊपर बात कर रहे हैं, अब V4 के अंदर कुछ एलिमेंट्स थे हमारे ऊपर, तो अब हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेता हूं मैं जिसका नाम है X, ओके, V4 से ले रहा हूं। अब V4 में क्या है, V4 में तो फंक्शंस पड़े हैं 1, 2, 3 इस टाइप, तो मैं इस एलिमेंट्स को कुछ ऐसा मान लेता हूं, ये होगा इक्वल टू 1, 2 एंड 3, 4, यानी कि 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, ऐसे वाला, जो कि आई तो नहीं है, यानी कि कोई एक एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप इसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इसको दो बार लिखना पड़ेगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, देन यू हैव टू राइट आउट 1, 2 और फिर आपको लिखना पड़ेगा 3, 4, नो प्रॉब्लम। अगर आप इसको ओपन करके लिखना चाहो बच्चों, यानी कि इसकी मैपिंग्स को आप शो करना चाहो, तो इसका मतलब ये बन गया 1, 2, 3, 4, ओके, और ये वाला सेट आपको भी शो कर रहा है 1, 2, 3, 4। तो अब देखो यहाँ पे 1 की इमेज क्या है, 2, 2 की इमेज क्या है 1, 3 की इमेज क्या है 4, 4 की इमेज क्या है 3, यहाँ 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 1, 3 की इमेज क्या है 4, 4 की इमेज क्या है 3। तो इन दोनों से ना थोड़ा अच्छे से देखोगे तो आपको पता है कैसा सेट मिलेगा, 1, 2, 3, 4। तो आप देखिए यहाँ, देखिए 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, यानी कि 1 वापस कहाँ जा रहा है 1 पे, 2, 2 की इमेज 1, फिर 1 की इमेज 2, तो 2 वापस कहाँ पे जा रहा है 2, इसी तरीके से 3 वापस कहाँ जा रहा है 3, और 4 वापस कहाँ जा रहा है 4, ये कौन आ गया, ये तो आई आ गया ना, आई मैपिंग तो यही होती है, आई फंक्शंस यही होते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई किसी किसी एलिमेंट का, किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट की कुछ पावर करें और वो आपको आइडेंटिटी दे, तो इसका मतलब होता है वो उस ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर हो गया, यानी कि आपको ये पता चल गया कि अगर आप इस एक्स के ऑर्डर की बात करोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 2, यानी कि एक्स का स्क्वायर करने से आई आ रहा है, तो यानी कि इसका ऑर्डर क्या है 2। अब मान लो कि ये जो एक्स लिया है ना आपने, ये एक्स किसी एक अलग वाले ग्रुप को जनरेट कर रहा है, यानी कि किसी एच को जनरेट कर रहा है, मुझे नहीं पता एच कौन है, फिलहाल ये एलिमेंट था वी का, मैंने मान लिया कि एच को जनरेट कर रहा है। अब एच को जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब जो एच का ऑर्डर होगा वो इस एलिमेंट का भी ऑर्डर होगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप में
एलिमेंट ऑफ ऑर्डर और ग्रुप ऑफ ऑर्डर हमेशा बराबर रहते हैं, यानी कि इस ग्रुप का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब एच कहां से लिया भाई, एच ये एलिमेंट अगर बी का है और एच इसी एलिमेंट से बना है, तो यानी कि ये एच भी कहीं ना कहीं कहां होगा, ये एच भी तो कहां होगा, ये एच डेफिनेटली कंटेन्ड करता होगा किसमें दोस्तों, बी फोर में, यानी कि एच एक सब ग्रुप है बी फोर का, यू कैन से दैट। सो एच इज सब ग्रुप है किसका, बी फोर का। अब दोस्तों एच सब ग्रुप है बी फोर का, और बी फोर के बारे में आप क्या जानते हैं, बी फोर कैसा है, अबिलियन है। अब अबिलियन ग्रुप के सब ग्रुप के बारे में आप क्या जानते हैं, बी फोर कैसा है, अबिलियन, और एच इसका क्या है, एक सब ग्रुप है, और हम जानते हैं कि अबिलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप है वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एच क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया बी फोर का। तो एक लाइन आप जरूर याद रखेंगे, द सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप, ओके। तो ये भी बीएससी के अंदर थ्योरम थी, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो एच क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा बच्चों बी फोर का। अब यही तो कहानी थी, अब देखो क्या हुआ, अब हमने एच को नॉर्मल सब ग्रुप बना दिया। तो अब अगर आप इन, अभी आपके पास क्या क्या चीजें आ गई, देखिए एक आ गया आपके पास, और ऑलरेडी यू नो दैट, इनमें से अगर मैं बात करूं कि ये जो V4 था, V4 तो नॉर्मल सब ग्रुप होता ही है किसका, A4 का, ये तो ऑलरेडी हमें पता है, और A4 नॉर्मल सब ग्रुप होता ही है किसका, S4 का, ये भी ऑलरेडी हमें पता है। बट इस V4 के लिए एक नॉर्मल सब ग्रुप ले आए, कौन सा, H, यानी कि अब आप यहां तक, ये वाली बात तक पहुंच गए, इसमें कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं है। तो अब अगर इसका मतलब एक दूसरे के सब ग्रुप है, तो यानी कि एक कहीं ना कहीं नॉर्मल सीरीज तो हमारी बन गई है ना, तो एक नॉर्मल सीरीज आपने कंस्ट्रक्ट कर दी। अब H में क्या है, अगर मैं H के ऊपर बात करूं, तो आप इसको ऐसे, इस पूरी सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या, दैट G इज इक्वल टू S4, और S4 में प्रॉपरली कंटेन करता है G A4, और A4 में प्रॉपरली कंटेन करता है कौन, V4, और V4 में प्रॉपरली कंटेन करता है कौन, H, और H में प्रॉपरली कंटेन करता है कौन, I, am I right here, okay। तो ये एक क्या बन गई, एक नॉर्मल सीरीज बन गई, इज अ नॉर्मल सीरीज। तो कोई भी नॉर्मल सीरीज, कंपोजिशन सीरीज तब बन जाती है जब उसके सारे फैक्टर ग्रुप क्या हो जाएं, सिंपल हो जाएं। इसका मतलब अब इस सीरीज के, इस इक्वेशन नंबर वन के जितने भी फैक्टर ग्रुप हैं, उन सबको आपको क्या बनाना है, उन सबको बनाना है आपको सिंपल। तो बना देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो दोस्तों, क्योंकि सीरीज हम एक्चुअली ऐसे लेके चलते हैं ना, दैट जी इज इक्वल टू जी नॉट, और जी नॉट में कंटेंट करेगा जी जी वन, जी वन में कंटेंट करेगा जी जी टू, और जी टू में कंटेंट करेगा कौन, जी थ्री, और जी थ्री में कंटेंट करेगा कौन, जी फोर, और कहीं ना कहीं जाके ये हो जाता है इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब अपने पास क्या है, यहाँ है जी और ये है जी नॉट, ठीक है। तो जी नॉट को मैं जी मान लूं या एस फोर मान लूं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये G नोट की जगह मैं लिख देता हूं S4, ठीक है जी। S4 में कंटेंट करेगा कौन, A3, A4 सॉरी, A4 में कंटेंट करेगा कौन, V4, और V4 में कंटेंट करेगा कौन, H, और H में कंटेंट करेगा कौन, I, और I इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो इस ग्रुप में अगर इन दोनों को आप कंपेयर करो, तो आपको ये लगेगा कि भैया जो जी नोट है वो इक्वल टू किसके है, जी नोट इज इक्वल टू व्हाट, जी नोट इज इक्वल टू एस फोर, ठीक है। और आप देखेंगे कि जी वन इज इक्वल टू किसके है जी, ए फोर के। इसी तरीके से जी टू इज इक्वल टू किसके है, दैट इज वी फोर, एंड जी थ्री इज इक्वल टू किसके है, एच के। तो अब अगर जल्दी से फैक्टर ग्रुप बना दीजिए जो हमें काम करना है, तो पहला ग्रुप, फैक्टर ग्रुप क्या बनता है, देखिए यहां से बनाएंगे फैक्टर ग्रुप जी नोट बाय जी वन। तो इसके ऑर्डर की जरा जांच कर लेते हैं, जी नोट बाय जी वन के, तो ये बन जाएगा ऑर्डर ऑफ जी नोट और बाय ऑर्डर ऑफ जी वन। अब ऑर्डर ऑफ जी नोट क्या है, जी नोट का मतलब एस फोर, तो यानी कि लिखोगे ऑर्डर ऑफ एस फोर डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ जी वन, जी वन मतलब क्या, ए फोर। अब एस फोर का ऑर्डर था 24, इसका ऑर्डर था 12, आंसर कितना आया 2। सिमिलरली जब आप निकालोगे ऑर्डर ऑफ जी वन बाय जी टू, तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ जी वन बाय जी टू, दैट इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल। के अब हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिखोगे ऑर्डर ऑफ ए फोर डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ वी फोर,
तो ए फोर का मतलब कितना 12 और इसका मतलब कितना 4 और आंसर कितना आया 3। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ G2/G3। ओके ये कितना आएगा बच्चों, H और उसकी बात आ गई ना, एक आएगा 4 V4, V4/H और उसका ऑर्डर कितना था 2 और आंसर कितना आया 2। अब ये जितने भी आ रहे हैं, एक आ रहा है 2, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 2, यानी कि सारे क्या हैं, ऑल आर बट प्राइम नंबर्स। और वी नो दैट अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर आर ऑलवेज सिंपल। ओके वी नो दैट, एक ही लाइन लिखनी है हमें, थ्योरम प्रूफ हमारी, वी नो दैट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर आर ऑलवेज सिंपल। तो हमारे पास जितने भी फैक्टर ग्रुप ये बने, ये सारे क्या बन गए, सिंपल बन गए, और हमारा जो काम था वो प्रूव हो गया, यानी कि जो आपकी सीरीज थी वो क्या बन गई, कंपोजिशन सीरीज बन चुकी है। ओके तो ये सीरीज इज अ कंपोजिशन सीरीज। तो थोड़ा सा इसको इसका रिकैप लेते हैं। देखो क्वेश्चन बड़ा ही इजी था, आपको सबसे पहले क्या लेना है, S4 लेना है। S4 आपको पता है कि 1 2 3 4 से बनता है, उसको थोड़ा लिख दीजिए कि उसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे और टोटल कितने होंगे S4 के अंदर। बच्चों टोटल होंगे 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24 एलिमेंट होंगे। अब जब आपने S4 लिया तो उसके बाद लेना है आपने क्या, A4। फिर क्या लेंगे, A4। A4 क्या होता है, अल्टरनेटिव ग्रुप, और इसका ऑर्डर क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाई टू, यानी कि 4 फैक्टोरियल बाई 2, यानी कि मतलब क्या आ जाएगा 12। ठीक है, फिर आप लेंगे V4 यानी कि कैलेंस 4 ग्रुप, और इसके अंदर इसका ऑर्डर कितना होता है 4, और इसको आप बना देंगे क्या 2 की पावर 2, यानी कि प्राइम नंबर्स की पावर बना देंगे। जैसे ही प्राइम नंबर की पावर बनेगा ये अबिलिन बन जाएगा, और जैसे ही अबिलिन बनेगा फिर आप इसमें से एक एलिमेंट ले लेंगे एक्स और दिखाएंगे कि उसका स्क्वायर करेंगे तो आई आ जाएगा। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। अब किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो हम मान लेते हैं कि ये किसी ना किसी ग्रुप को जनरेट कर रहा होगा, उसको मैंने नाम दे दिया एच। अब मान लीजिए किसी ग्रुप एच को जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब जितना इसका एलिमेंट का ऑर्डर है उतना इस ग्रुप का ऑर्डर होगा, तो इसका मतलब एच का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब एच का ऑर्डर 2 है और एच सब ग्रुप है V4 का। अब अगर एच सब ग्रुप है V4 का और V4 क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, तो किसी अबेलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप है वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो जैसे आपके पास एच आ गया तो अब आपके आपने कंस्ट्रक्ट कर दी एक सीरीज, यानी कि एच V4 में, V4 A4 में, A4 S4 में, तो एक सीरीज बन गई जो कि एक नॉर्मल सीरीज है क्योंकि एक दूसरे के नॉर्मल सब ग्रुप हैं ये। बस अब दूसरा काम सिर्फ था कि इसके फैक्टर ग्रुप को सिंपल बनाना, तो जल्दी से फैक्टर ग्रुप बनाते जाइए और ये ऑर्डर अपने आप में कट कट के प्राइम नंबर देते जाएंगे। जैसे सभी प्राइम नंबर आएंगे और प्राइम नंबर के ऑर्डर का ग्रुप हमेशा क्या होता है, सिंपल होता है, तो आपकी जो ये फैक्टर ग्रुप है वो सारे सिंपल बन जाएंगे और आपकी कंपोजिशन सीरीज क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। सो दिस वाज अ थ्योरम गाइस, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, कीप वॉच कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच।